An IC activist today went on to allegedly disrupt Central Minister Jyotiraditya Scindia's address. Clashes erupted between Congress workers and the IAC protesters who were present at the venue after the Congress allegedly tried to stop an IAC activist from asking a question to Jyotiraditya Scindia at that press conference. अन्ना समर्थक अभी हंगामा किए हैं क्या? मैंने कहा ना आपको, मैं ये समझाने के समय में उनसे मिलूंगा, उनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। असीम को जो कठिनाई काटने की गिरफ्तार होने की गिरफ्तारी की विरोध विरोध है, आपसे मिलने के लिए आरोप है कि कांग्रेस ही मिलने नहीं दे रहे हैं। असीम त्रिवेदी के मुद्दे पर मैं कोई कठिनाई नहीं, वो लोगों का कहना है मैं उस पर कैसे टिप्पणी करूँ। मैं तो या तो अपने मंत्रालय के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ या कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा पर टिप्पणी कर सकता हूँ। उनका आरोप है कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जा रहा हूँ इसके विरोध हम एक जो आपसे बोलने आए थे कि ये देशद्रोह है कि नहीं, झंडा झंडा पे आप लोग किसी का ध्यान नहीं दिया था कि झंडा पे चाटा है कांग्रेस का पंजा है। नंबर वन, कांग्रेस के झंडे पर तिरंगा पर बीच में पंजा निशान रहता है, तो क्या अगर उसका निगेटिव आप असीम त्रिवेदी की बात कर रहे हैं? असीम त्रिवेदी के मामले पे मैं अर्चना टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। नहीं, लेकिन हम लोग आपने प्रश्न किया ना, उस पर मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, वो तो गॉड के मामले में है, गॉड को सेटल करने दो। आम नागरिक के तौर पे उस मुद्दे पर ना आप ना हम जवाब दे पाएंगे। मेरे आधार पर जो मेरा हक है मैं बात कर सकता हूँ ना आपसे, आप मुझे वोट नहीं कर सकते जवाब देने के लिए। लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं घोटाला में लिप्त है, वो सामने आ चुका है, तो कोयला के घोटाले में आम जनता कहाँ जाए? मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप ठीक है ना, पर आप अपना पक्ष रख सकते हो, मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ क्योंकि जो अरे भैया धक्का मुक्की नहीं किया जाए भैया, देखो इनकी बात सुन लो, अगर किसी बात नहीं सुनो धक्का मुक्की नहीं किया जाए। बोला गया अगर हम अपने घर बोला गया बता रहा हूँ, एक मिनट बोला गया, एक एक मिनट, अरे भैया बोला गया, अरे भैया बोला गया, चलो उसी को बता रहा, आप लोग शांत हो जाओगे कृपा करके, बोला गया अब आप भी शांत हो जाओगे, मैंने इनको कह दिया शांत होने के लिए। मैंने उसी समय में बोला था कि मैं आपको प्रश्न सुनूंगा, मैंने आपको देखा भी पहले, हाथ उठाया था आपने, मैंने आपको बोला मालूम है, पर मैंने कहा कि मैं हर व्यक्ति का प्रश्न सुनूंगा क्योंकि मेरे लिए केवल प्रेस के परिवार नहीं, आम नागरिक का हक है हर प्रश्न पूछने का, और मेरा दायित्व होता है प्रश्न का जवाब देने के लिए जितना मैं दे पाऊँ। ठीक है, चलो।